स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमें इस बात की बेहद खुशी है। और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आपका और दूसरों का सबका फ़ायदा हो सके। और हमारी जो भी कमियां आपको नज़र आ रही हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलतियां हम भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कमी है जिससे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से आपको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में ही। हमने कंप्यूटर के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और वो पार्ट्स भी अपलोड किए जा चुके हैं। और हम जो कंप्यूटर में जो कवर कर रहे हैं, वो उन्हीं टॉपिक्स को और उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं कि हर टॉपिक में से कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और किस पर नहीं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन मोड, जिसको हम बोलते हैं संचार के माध्यम। तो बेसिकली जो संचार क्या है, संचार क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कम्युनिकेशन होता है, मतलब संचार होता है, डेटा का जो प्रसारण होता है, उसको हम संचार कहते हैं। अब जो संचार होता है वो उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे आपका सेंडर है और रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में पहुंचेगी कैसे, वो पहुंचेगी ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू। ये जो चैनल्स होते हैं इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली जो इसके प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। वो है आपका सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है आपका हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स चैनल। तो ये जो है ये संचार के क्या है, माध्यम है, संचार चैनल। ये तीन मेनली संचार चैनल है जिनके द्वारा सेंडर से रिसीवर तक डेटा का ट्रांसफर होता है। अब ये देख लेते हैं कि कैसे होता है और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सिंपल है, सिंपल है मतलब इसमें क्या होगा कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसमिशन होगा, वो केवल क्या होगा, मैंने देखिए यहाँ पर डायरेक्शन पे शो कर रखी है कि केवल वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ए से बी में होगा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही बार में होगा। तो जब डेटा का जो संचार होता है वो एक सेंडर से रिसीवर में एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में ना हो एक बार में, उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स चैनल। तो ए से बी में, यानी एक बार में आपका ए से बी में ही सिंप्लेक्स चैनल में डेटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल की। हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल नाम से स्पष्ट है कि हाफ मतलब कि जो डेटा का संचार है, ठीक है, वो दोनों साइड से होगा, मतलब सेंडर इधर से भी होगा इधर से भी होगा, दोनों एंड से डेटा का संचार होगा, लेकिन एक बार में केवल एक ही संचार कर पाएगा। यानी कि पहले इंफॉर्मेशन सपोज ए ने बी को भेजी, तो जब तक वो बी के पास पहुंच नहीं जाती तब तक बी अपनी इंफॉर्मेशन ए को नहीं भेज सकता। यानी कि हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या है कि संचार तो दोनों डायरेक्शन में होगा, दोनों दिशा में जो डेटा का प्रवाह है वो हो सकता है, ए से बी में हो सकता है, बी से ए में हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है चूंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल है, इसकी कंडीशन ये है कि जब तक डेटा का संचार ए से बी में नहीं होता तब तक बी से ए में डेटा का संचारण नहीं हो सकता। मतलब ए से बी में अगर हमें डेटा भेजा है तो भेजने के बाद और जब वो बी रिसीव कर लेगा उसके बाद ही बी ए को भेज सकता है। तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल। तीसरी हम बात कर लेते हैं फुल ड्यूप्लेक्स चैनल की। फुल ड्यूप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि जो डेटा का संचार होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में, इसमें भी क्या था, दोनों डायरेक्शन में था, ए से बी में, बी से ए में, लेकिन क्या था, एक टाइम में एक ही भेज सकता था। इसमें क्या है कि इसमें ए से बी में और बी से ए में दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है और सेम टाइम पर हो सकता है। यानी कि अगर सपोज ए से ए ने बी को कोई डेटा संचार किया, ठीक है, तो जो डेटा का प्रवाह है वो ए से बी में उसी टाइम पर बी भी ए को भेज सकता है। इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सिंप्लेक्स चैनल, हमने क्या बोला, हमने बोला कि ए से बी में ट्रांसफर होगा,
केवल जो डेटा का प्रभाव होगा वो एक ही दिशा में होगा, कैसे, ए से बी में। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं टीवी या रेडियो। टीवी या रेडियो में क्या होता है कि आपका जो भी सपोज कोई सीरियल आया या कोई भी उस पर प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, या रेडियो है, रेडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग, हम लोग क्या कर पाएंगे एज अ यूजर, हम लोग केवल उसे सुन पाएंगे। तो वो वहां से सेंडर जो है हमें भेज रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको रिवर्ट में भेज नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम टीवी से जो भी सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो रिसीवर है वो उसको क्या भेज दोबारा से नहीं सकते। तो टीवी और रेडियो इसका हो गया। हाफ ड्यूप्लेक्स में हमने पहले ही बताया कि जो डेटा का प्रवाह है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, यानी कि ए से बी में भी हो सकता है, बी से ए में भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही डेटा का प्रवाह कर पाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा कि जब एक इंसान बोलता है, इधर से सिग्नल भेजा, ठीक है, तो जब तक वो दूसरे के पास पहुंच नहीं जाता तब तक जो रिसीवर है वो दोबारा से जो पहले वाला सेंडर है उसको मैसेज नहीं भेज सकता। तो हाफ ड्यूप्लेक्स हुआ क्योंकि वहां दो जो डेटा का प्रवाह है वो एक साथ नहीं होता। वॉकी टॉकी में आप क्या करते हो, पहले कोई सिग्नल भेजते हो, उसके बाद आपको जब वो बी एंड पर सिग्नल मिल जाता है उसके बाद ही ए को दोबारा सिग्नल भेजा जा सकता है। जबकि फुल ड्यूप्लेक्स का अगर हम एग्जांपल देखें, फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है कि डेटा का प्रवाह दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन एक साथ एक टाइम पर हो रहा है। जैसे कि हम चैटिंग करते हैं मोबाइल में चैटिंग करते हैं, तो या फिर मोबाइल में हम बात करते हैं, तो जब हम चैटिंग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सपोज हम किसी को कुछ टाइप कर रहे हैं तो जब तक कि उसको रिसीव नहीं होता तब तक वो भेज ही नहीं सकता, है ना। उधर से हो सकता है वो भी टाइप कर रहा हो और हो सकता है दोनों के मैसेज सेम टाइम पर रिसीव हो, आपको भी उसी टाइम पर मिले और उसको भी उसी टाइम पर मिले। तो इसको जो चैटिंग है, मोबाइल है, ये सारा, ये जो एग्जांपल है ये फुल ड्यूप्लेक्स का है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो अगर डेटा का जो प्रवाह है वो एक ही डायरेक्शन में है केवल, तो सिंप्लेक्स हुआ, दोनों ही डायरेक्शन में है लेकिन एक बार में केवल एक ही मतलब प्रवाह, डेटा प्रवाह कर सकता है, तो वो हाफ ड्यूप्लेक्स में है। और दोनों ही डायरेक्शन में आप डेटा का प्रवाह कर सकते हो लेकिन क्या है कि सेम टाइम पर आप कर सकते हैं। और या एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं कि जैसे मोबाइल दे दिया, तो ये किसका है, फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल है या फिर हाफ ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत कूलली हो जाएगा, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी होता क्या है, मेनली होता क्या है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो उन कंप्यूटर्स को अगर हमें आपस में डेटा का मतलब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उन कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तो इस तरह से जो हमारा आजकल की लाइफ में जो हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो ऐसा ही है। ऑफिसेज में भी क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं लैन मैन वैन इन सब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लैन आपको पता है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, या अभी आपको बता देंगे जो नेटवर्क इंटरनेट वाला चैप्टर है उसमें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजी पर। तो टोपोलॉजी में क्या है कि जो आकृति, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है किसके लिए, इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के प्रवाह के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मेनली पांच टाइप की है, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल कूल हो जाओ। सबसे पहली जो है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, नाम क्या है, मैश, तो मैशिंग सा है, ठीक है, ये सब मैश मैश सा हो रहा है। जैसे कि सपोज चार आपके कंप्यूटर हैं, ए बी सी डी, चार कंप्यूटर हैं, तो इनको जब चार मतलब जो जब जितने भी कंप्यूटर हैं जब वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस टोपोलॉजी को आप क्या बोलते हो, मैश टोपोलॉजी। मतलब जैसे ये सपोज एक कंप्यूटर है ए, ठीक है, तो ये बी से भी कनेक्टेड है, ये सी से भी कनेक्टेड है, ये डी से भी कनेक्टेड है, यानी कि हर कंप्यूटर, हर जो आपस में आसपास के जो कंप्यूटर है उससे कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैश,
यानी कि कोई भी कंप्यूटर उसमें छूटा नहीं होता। बी है तो बी भी आपका क्या है, ए से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, अगर कोई और सा भी होता तो उससे भी कनेक्टेड होता। तो मतलब इसमें क्या है, मैश बन जाता है, एक जाल बन जाता है। मैश का मतलब होता है जाल, तो एक जाल बन जाता है। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, सपोज इसमें कंप्यूटर्स जो है एन है, अगर कंप्यूटर की संख्या एन है तो उसमें जो लिंक होंगे नोड पर, नोड पर कितने लिंक होंगे, नोड क्या हो गया, नोड ये हो गया। सपोज ये है, ये कंप्यूटर कनेक्ट है, इस नोड पर कितने लिंक्स हैं, इस नोड पर तीन लिंक है, एक तो बी का लिंक, एक सी का लिंक और एक डी का लिंक, तीन लिंक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नोड। कंप्यूटर कितने हैं, चार, यानी कि एक दो तीन चार। तो अगर कंप्यूटर की संख्या क्या है, एन है, तो लिंक मतलब नोड पर लिंक की संख्या कितनी होगी, एन माइनस वन। आप यहां पर कंप्यूटर की संख्या कितनी है, चार, तो चार माइनस वन कितना हो गया, तीन। इसका मतलब हम ये देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि नोड पर लिंक की क्या संख्या क्या तीन है। तो हमने देखा चार कंप्यूटर है, ये नोड है, नोड पर लिंक देखते हैं, एक लिंक ये हो गया, दूसरा, एक दो और तीन, यानी कि तीन लिंक है किस पर, नोड पर। लेकिन अगर हम बात करें टोटल लिंक की, कि पूरे मैश में कितने लिंक हैं, तो टोटल लिंक की संख्या कितनी होती है, n इंटू एन माइनस वन, यानी कि थ्री इंटू फोर, कितने होंगे, बारह, बारह लिंक्स होंगे इस टोटल मैश में। या आपसे पूछ लिया जाता है थोड़ा सा एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है दे दे कि अगर ये इस टाइप से तीन कंप्यूटर है या चार कंप्यूटर है तो टोटल नोड की या टोटल लिंक्स की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये याद रखना है कि आपका, क्योंकि देखिए तीन इसके बने ए के, तीन इसके बने लिंक इसके इसके इसके, ठीक है, तीन इसके, तो तीन चौक कितना हो गया, बारह, ठीक है, पहली समझ में आ गई। अच्छा, इसमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर हम इसका एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज तो यही होता है, अगर आप देख सकें इसमें, तो इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसकी वर्किंग रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक कंप्यूटर जो है वो तीन लिंक से जुड़ा हुआ है। सपोज एक कंप्यूटर खराब हो गया, सपोज ए खराब हो गया, तो सी को जो सप्लाई मिल रही है, सी को सप्लाई बी से भी मिल रही है और डी से भी मिल रही है, तो सी जो है वो क्या, काम करना बंद नहीं करेगा। ये इसका फायदा हुआ, ठीक है, कि मैश टोपोलॉजी का अगर फायदा पूछा जाता है, समझ में आना चाहिए कि अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उस कंप्यूटर वो वर्क करना बंद नहीं करेगा। इसका नुकसान क्या है, नुकसान इसका ये है कि एक तो इसमें वायर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप देखो हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो कितना ज्यादा आपको वायर की रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब वायर ज्यादा है, एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, और जितने ज्यादा इसमें कंप्यूटर ऐड होते जाएंगे उतना ज्यादा टिपिकल होता जाएगा, एक्सपेंसिव भी होगा और वायर की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि इसमें स्टार टाइप का जो ज्यामिति आकृति बन रही होगी वो कैसी होगी, वो स्टार टाइप की होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन हब होता है, उस मेन हब से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, उस मेन हब से ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं और इस हब के द्वारा ही इन सभी कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है। इसकी अगर हम एडवांटेज देखें तो एडवांटेज एक तो ये है कि अगर सपोज ये कंप्यूटर आपको खराब हो गया, ठीक है, तो आप इजीली इसको रिप्लेस करके दूसरा कंप्यूटर हब से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तो और दूसरा क्या है कि इस ये जो है इजी है, सिंपल है, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैश बना हुआ है, आपको पता है कि ये आपका एक मेन हब है, आपका अगर कंप्यूटर खराब हो गया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सर्वर होता है, जैसे हम साइबर कैफे में जाते हैं, तो साइबर कैफे में क्या है कि एक मेन हब होता है, वहां से वो सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं कि किस कंप्यूटर पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि इसके पास क्या होता है, 48 अंक का एक निश्चित एड्रेस होता है, वो हर कंप्यूटर के लिए अलग होता है, तो 48 नंबर का एक निश्चित एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसकी डिसएडवांटेज यह है कि अगर मेन हब ही खराब हो जाए तो पूरी जो प्रणाली है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, अगर मेन हब ही खराब हो जाए, ठीक है, तो पूरी जो प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पता लग गए।
क्योंकि भाई मेन हब से ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये भी अगर इसी में दिक्कत आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी बंद, ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं तीसरी टोपोलॉजी, वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बस होती है, मतलब कि एक मेन जो केबल है, संचार का माध्यम है, वो है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। ये जो मेन केबल होता है, इसी से सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, इसको बोलते हैं बैकबोन केबल। और जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स जिस छोटे वायर से मेन केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप केबल। कौन सा केबल? ड्रॉप केबल। तो जो बैकबोन केबल हुआ वो कौन सा हुआ, जो मेन, जिसमें ये हाई वोल्टेज का केबल होता है, क्योंकि इसी से इसकी आपको कैपेसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी मेन केबल से सारे कंप्यूटर्स को आपको जोड़ना है, ठीक है। और जो जो छोटा केबल होता है जिससे मेन बस से कनेक्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप केबल। और जो वो पॉइंट जिस पर जो ड्रॉप केबल होता है बैकबोन केबल से कनेक्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो अगर इसमें कोई कंप्यूटर आपका खराब हो जाता है तो आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर से उस कंप्यूटर को आप हटाओ और उसके बाद बस से कनेक्ट कर दो, क्योंकि बस में तो सप्लाई है, बस से ही उसको सप्लाई मिल रही है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर बैकबोन केबल ही खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि उस बैकबोन केबल से ही सभी कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्टेड है। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है कि अगर बैकबोन केबल खराब हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। इसके अलावा इसमें वायर भी कम यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं, छोटा सा एक केबल चाहिए आपको मेन जो बैकबोन केबल है या जो बस है उससे कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक टोपोलॉजी है, सबसे ईजी टोपोलॉजी होती है, ये है आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, वो रिंग की तरह, रिंग के फॉर्म में होते हैं, कि एक गोला सा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी होती है, ये सबसे इजी होती है पहली बात, क्योंकि ना इसमें कोई बहुत ज्यादा वायर की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना ऐसा कुछ है, ठीक है। और जो डेटा का फ्लो होता है बहुत इजीली हो जाता है रिंग के फॉर्म में, भाई यहाँ से डेटा आपको सिंपल एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, ऐसे करके वो फ्लो हो जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी है, सबसे इजी होती है। और इसमें अगर सपोज ये जो कोई कंप्यूटर है, अगर मान लो खराब हो जाता है, ये एक कंप्यूटर मान लो खराब हो गया, तो इसको जो है सप्लाई दूसरे लिंक से भी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो है, या मतलब ये रिंग फॉर्म में है, तो आप इसको दूसरे लिंक से इसको सप्लाई कनेक्शन दे सकते हो। तो ये इसके फायदे हैं रिंग टोपोलॉजी के। ट्री टोपोलॉजी की और सबसे अच्छी टोपोलॉजी यही मानी जाती है रिंग टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ट्री नाम से स्पष्ट है कि इसमें ट्री बन रहा होगा, मतलब पेड़ टाइप की, जैसे शाखाएं होती हैं वैसे, जैसे सपोज एक ही कंप्यूटर है, बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई मेन हब तो होता नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो उनके क्या है, उससे कंप्यूटर और ज्यादा कनेक्ट, और कंप्यूटर कनेक्ट हुए हुए हैं, फिर उनसे और ज्यादा कनेक्ट हुए हुए हैं, तो इस तरह से आपका ट्री टाइप का ट्री फॉर्म बनता है। अब इसमें क्या होता है, सपोज सबसे नीचे कोई कंप्यूटर है या बीच में कोई कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें क्या, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि एक तो अगर सपोज ये कंप्यूटर है तो इससे ये खराब हो जाता है, बीच में कोई कंप्यूटर ये खराब हो जाता है तो इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, भाई ये बीच में खराब हो गया तो इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। दूसरा कि इतने सारे, सपोज यहां से कोई इंफॉर्मेशन चलकर आ रही है तो यहां तक पहुंचने में उस इंफॉर्मेशन को आप सोचिए कितना उसको लंबा जो डिस्टेंस है उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो बहुत जल्दी, मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी ट्री टोपोलॉजी में, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हुई, ठीक है। तो ये कुछ टोपोलॉजी थी जिसके हमने अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे। इस टाइप के क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछ लिए जाते हैं कि भाई मैच टोपोलॉजी में कैसा है, या इसकी एडवांटेज, ये किसकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो अब आगे आने वाली क्लासेस में हम कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।